नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो जहां पर न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर ध्वस्त हो गए जहरीले मौलाना के मंसूबे, धर्मांतरण कर सामूहिक विवाह की योजना पर लगा है पलीता। न्यूज वन इंडिया ने मौलाना के मंसूबों को किया है बेनकाब। सोए सिस्टम को जगाने में न्यूज वन इंडिया ने बड़ी भूमिका निभाई है। न्यूज वन इंडिया की मुहिम के बाद पूरे प्रदेश में मचा था हड़कंप। आम जन से लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी तौकीर रजा के खिलाफ खोल दिया था मोर्चा। सड़कों पर उतरे लोग मौलाना के खिलाफ किए प्रदर्शन। न्यूज वन इंडिया की मुहिम के बाद तौकीर रजा ने लिया है यू टर्न, जहां पर न्यूज वन इंडिया के कैमरे पर दी है सफाई। आखिरकार सोया प्रशासन भी नींद से जागा है। आनन फानन में अनुमति देने के लिए यहां पर इंकार कर दिया गया है। इज्जत बचाने के लिए मौलाना ने आयोजन किया है निरस्त। न्यूज वन इंडिया की टैगलाइन फिर हुई है सच, जहां पर खबर भी और असर भी न्यूज वन इंडिया का नजर आया है। तो आखिरकार तौकीर रजा के जो मंसूबे, उस पर पूरे तरीके से पानी फेरने का काम न्यूज वन इंडिया ने किया है। और जैसे ही ये खबर प्रमुखता से दिखाई, उसका असर भी देखने को मिला। आखिरकार सोया हुआ प्रशासन भी नींद से जागा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ। आनन फानन में अनुमति देने से प्रशासन ने फिलहाल इनकार किया है, और ऐसे में इज्जत बचाने के लिए मौलाना ने आयोजन को निरस्त भी कर दिया है। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का ये बड़ा असर और न्यूज वन इंडिया की टैगलाइन फिर हुई है सच, जिसमें खबर भी और असर भी। तो न्यूज वन इंडिया की जो टैगलाइन है, आखिरकार जिन खबरों को दिखाया जाता है उस पर भी उसका असर जरूर होता है। ऐसे में एक बार फिर से न्यूज वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। तौकीर रजा की अगर बात करें तो ध्वस्त हो गए हैं जहरीले तौकीर रजा के यहाँ पर मंसूबे, जहाँ पर वो सामूहिक विवाह की बात करें, धर्मांतरण कर सामूहिक विवाह की योजना पर लगा है पलीता। और ऐसे में प्रशासन से अनुमति भी ले रहे थे तौकीर रजा, लेकिन न्यूज वन इंडिया ने मौलाना के मंसूबों को बेनकाब कर दिया है। इतना ही नहीं, सोए हुए सिस्टम को जगाने में न्यूज वन इंडिया ने भूमिका भी निभाई है, बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाता हुआ न्यूज वन इंडिया। और न्यूज वन इंडिया की मुहिम के बाद ही पूरे प्रदेश में हड़कंप भी मचा है। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दें कि आम जन से लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी तौकीर रजा के खिलाफ खोल दिया था मोर्चा, जहां पर सड़कों पर उतरे लोग मौलाना के खिलाफ प्रदर्शन भी किए। और ऐसे में न्यूज वन इंडिया की मुहिम के बाद तौकीर रजा ने यू टर्न भी लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्योंकि न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ था, और ऐसे में तौकीर रजा की अगर बात करें, क्योंकि बड़े ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहा था कि हम सामूहिक विवाह को लेकर यहां पर निकाह कराएंगे, और ऐसे में प्रशासन ने जब ये खबर देखी है कि न्यूज वन इंडिया ने, आखिरकार खबर भी और असर भी यहां पर नजर आया है न्यूज वन इंडिया का। जी, आपको बता दें मौलाना तौकीर रजा के द्वारा, जो कि आईएमसी प्रमुख हैं बरेली में, 15 तारीख को शाम 4 बजे प्रेस वार्ता कर ये ऐलान किया गया था कि 23 परिवारों का, जो कि लड़के लड़कियां हैं, 15 लड़कियां 8 लड़के हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा के सामूहिक शादी विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसकी उन्होंने 21 जुलाई डेट उन्होंने मुकर्रर की थी। साथ ही उन्होंने साथ और कहना था नगर मजिस्ट्रेट को, उन्होंने 11 जुलाई को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने परमिशन मांगी बरेली जनपद में ही खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में 21 तारीख को उन्होंने सामूहिक विवाह समारोह करने का ऐलान किया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा था पहले चरण में 5 शादियां कराई जाएंगी, जिसमें धर्म परिवर्तन कर हिंदू लड़के और लड़कियों को सामूहिक विवाह समारोह में शामिल किया जाएगा। जिसको इस प्रेस वार्ता के बाद में शहर में मानो खलबली सी मच गई, राजनीतिक गलियारे में खलबली सी मच गई। वहीं विशेष समुदाय के लोग सोचने मजबूर हो गए कि ये क्या करने जा रहे हैं मौलाना। मौलाना हमेशा अपनी इस तरह की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, इस तरह क्रियाकलापों के लिए जाने जाते हैं कि बरेली में कई बार आमो हवा गर्म हो जाती है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई। खबर दिखाने के बाद जब सब आला अधिकारियों से बात की, वहीं हिंदू संगठन सब हिंदू संगठनों ने जाके कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही डीएम रविंद्र कुमार का घेराव भी किया और साफ तौर पर आपत्ति दर्ज कराई। वहीं साफ तौर पर उन्होंने कहा मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही किसी प्रकार कोई परमिशन नहीं चाहिए। इसमें न्यूज इंडिया टीम ने ग्राउंड जीरो पे जाके सभी अधिकारियों से, हिंदू संगठनों से बात की। लगातार खबर एजेंडा चलाए जाने के बाद में, इस खबर को दिखाए जाने के बाद में, कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा बैकफुट पर आ गए और शाम करीब
पांच बजे के बाद कल उन्होंने बैकफुट पर जाके प्रेस नोट जारी किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उन्हें नगर मजिस्ट्रेट द्वारा परमिशन नहीं दी गई है। एक प्रेस नोट में उन्होंने साफ तौर पर एक अपनी मांग भी रखी है कि जिसमें जनपद बरेली के अंदर अगर वो ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं क्योंकि परमिशन न मिलने के कारण, तो कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा के सामूहिक विवाह समारोह इस तरह का नहीं कराएगा। वहीं बरेली जनपद के पुलिस प्रशासन द्वारा साफ तौर पर यह ऐलान किया गया, साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा के सामूहिक स्थल या किसी स्थल पर किसी प्रकार का बिल्कुल अभिषेक, लेकिन इस दौरान अगर बात करें लेटर को लेकर भी और जिस तरीके से परमिशन लेने की बात करते हैं, अगर प्रशासन की बात करें तो यहां पर प्रशासन की तरफ से भी कुछ भी एक्शन या किसी भी तरीके का बयान सामने नहीं आया। जब न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को चलाया उसके बाद प्रशासन भी जागा है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, न्यूज इंडिया टीम ने जब एसएसपी अनुराग आर्या से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर बताया कि इस मामले को हम ज्यादा तूल नहीं दे रहे हैं, इस मामले को गंभीरता से ज्यादा वो नहीं ले रहे थे। लेकिन साफ तौर न्यूज इंडिया ने गंभीरता से खबर को दिखाने के बाद उनसे बात की, उनसे बात करके उनसे कहा कि इस तरह की जो कार्य हो रहा है, इस तरह से बरेली माहौल गर्म है, कई हिंदू धर्म संगठनों में रोष व्याप्त है, लोगों ने घेराव करना शुरू कर दिया है, बयानबाजी शुरू कर दी है, इस तरह से बरेली का माहौल बिगड़ सकता है। तब कहीं एक्शन मूड में आए बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने साफ तौर पे मौलाना को साफ तौर निर्देश दे दिए कि इस तरह कोई भी कार्य, इस तरह कोई भी इजाद आपको नहीं दी जाएगी, भाई इस तरह कोई भी क्रियाकलाप किया जाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इससे कि बरेली की आम हवा बदले। भाई एसएसपी के सख्त निर्देशन चलते भाई शाम को ही न्यूज इंडिया टीम के द्वारा लगातार, न्यूज इंडिया चैनल द्वारा लगातार दिन भर खबर दिखाने के बाद में बैकफुट पर आए मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस नोट जारी कर अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इसलिए भी निरस्त कर रहे हैं क्योंकि परमिशन नहीं मिली है। वही दूसरी तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि कोई व्यक्ति अब अगर इस तरह धर्मांतर करा के अगर सामूहिक विवाह समारोह कराएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस मांग को, तौकीर रजा की इस जायज मांग को बरेली जनपद की पुलिस प्रशासन ने मान लिया है और साफ तौर पे अपना अधिकारी वर्जन देते हुए सीओ प्रथम पंकज श्रीवास्तव साफ तौर पे कहा है कि बरेली जनपद पुलिस प्रशासन द्वारा साफ तौर पे सख्त निर्देश है, कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा के कोई भी शादी सामूहिक विवाह समारोह नहीं करा सकता, अगर ऐसा कोई कराता है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के।